सो हे गाइस, अभी मैं आपको ऐसे फ्री के रिवार्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देख करके आप लोगों को भी ट्रस्ट नहीं होगा कि करीना फ्री फायर वाला इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बिकॉज आप लोगों को पता होगा अभी हमारी गेम में बॉम्ब स्क्वाड 5 वर्सेस 5 का न्यू इवेंट चल रहा है। इस इवेंट के कैलेंडर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10 जून को न्यू मैप आने वाला है जिसका नाम होगा ईएल पास्टेलो। और जब ईएल पास्टेलो न्यू मैप आएगा तब इसका म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है। और इस पोस्टर के अनुसार हम लोगों को 3 मिलियन व्यूज और 6 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना है। तो हम लोगों को स्कॉर्प की स्किन फ्री में ये वाला इमोट मिलने वाला है जिस इमोट का नाम ड्रॉप किक है। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि गरीना वाला इतने फ्री के रिवार्ड दे सकता है। वाओ, तो बॉम्ब स्क्वाड इवेंट के फ्री के रिवार्ड्स एंड इस म्यूजिक वीडियो माइलस्टोन रिवार्ड्स के बारे में इस वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि आप लोगों के सारे रिवार्ड कैसे मिलेंगे। मजा आया। तो यार ऐसे ही डेली फ्री के रिवार्ड जानना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करके रख लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। बात तो सही है। एंड यार आने वाला अपकमिंग इवेंट है 5th एनिवर्सरी जिसमें हम लोगों को बहुत सारे फ्री के रिवार्ड्स मिलेंगे। साथ ही में एक इवेंट कंफर्म हो गया है जहां से आप लोगों को एक क्रिमिनल बॉक्स लेना पड़ेगा एंड वहां से क्रिमिनल बंडल निकलने वाले हैं। तो 5th एनिवर्सरी इवेंट के टाइम पर जो जो इवेंट आएंगे जो जो फ्री के रिवार्ड मिलेंगे अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यार ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रैंपेज इवेंट का कैलेंडर एंड उसके अंदर मिलने वाले फ्री के रिवार्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। एंड यार हमको बीस्ट वॉरियर बंडल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। एक्चुअली में ये एक रिसाइकल बंडल है इसलिए हम लोगों को फ्री में मिलने वाला है। तो कैसे फ्री में मिलेगा, रिसाइकल बंडल क्या होता है, अभी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। एंड यार हमारे इधर न्यूज़पेपर में फ्री फायर से रिलेटेड एक न्यूज आई है जिसमें एक बच्चे ने अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 36 लाख का स्कैम कर दिया है। मतलब कि 36 लाख रुपए उड़ा दिए। तो इस न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ एंड आप लोगों के साथ ऐसा कोई मसला ना हो जाए, ऐसा कोई आप लोगों को प्रॉब्लम देखने न मिले, आप लोग इस न्यूज को देख लेना, आप लोग बच जाओ ऐसा करने से। एंड हमारे गेम के अंदर इवेंट्स के बारे में तो बताऊंगा ही। तो यार ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर से बोलूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करो, फॉलो करो। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 36 लाख के स्कैम के बारे में जो कि फ्री फायर खेलने वाले एक प्लेयर ने करी है और ये घटना न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग ये जो घटना हुई है इसे आप लोग रिपीट ना करो आप में से कोई भी। तो ये बात है हैदराबाद की जो कि 4 जून की है। तो यहां पर एक 16 साल का बच्चा था, 16 साल का था तो बच्चा तो नहीं था, नॉर्मल एज में आ चुका था। तो वो पढ़ता था 11th क्लास में और वो फ्री फायर खेलता था अपने दादाजी के फोन से। तो वहां से उसने क्या किया, तो उसकी मम्मी का फोन पे, गूगल पे या फिर एटीएम कार्ड का एक्सेस उस लड़के के पास था। तो उसने फ्री फायर में इतना ज्यादा टॉप अप किया कि उसने 26 लाख रुपए एक बैंक अकाउंट से और दूसरे बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए स्पेंड कर दिए। उसके बाद में उसकी मम्मी गई होगी एटीएम कार्ड में एंड देखा तो पैसे गायब। उसके बाद दोनों ने साइबर क्राइम पुलिस में कंप्लेंट करी एंड पता चला कि उनके बच्चे ने फ्री फायर में स्पेंड करे थे उतने सारे पैसे। तो यार बस इस न्यूज को सुनने के बाद मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग गेम के अंदर पैसे मत लगाइए, अगर लगा भी रहे हो तो बहुत कम लगाइए कि आप जो रियल लाइफ की नीड होती है उसे आप लोग उसमें पैसे खर्च करिए, ना कि आप लोग गेम में लगाइए और गेम को गेम की तरह खेलिए, इससे एडिक्ट मत हुई। बिकॉज वो बच्चा एडिक्ट हो गया था, एडिक्ट होने की वजह से उसने 36 लाख रुपए स्पेंड कर दिया गेम के अंदर। तो आप लोग एडिक्ट मत हुई, जस्ट इंजॉय करने के लिए गेम खेलिए। और आप लोगों को फ्री के रिवॉर्ड के बारे में बताने के लिए तो मैं हूँ ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यार चलिए फाइनली मैं आप लोगों को फ्री ग्लोबल इवेंट के बारे में बता देता हूँ। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को जो न्यूज सुनाई 36 लाख रुपए स्कैम वाली, उस न्यूज को इग्नोर मारो एंड आप में से कोई दोबारा वो गलती मत करना और ज्यादा पैसे खर्च मत करना। तो अभी फ्री में ग्लोबल मिलने वाली है और अभी आप लोग स्क्रीन पर ये जो देख रहे हो फ्री ग्लोबल लास्ट चांस, ये गरीना फ्री फायर तरफ से ऑफिशियल मेल है जहां पर 1100 पॉइंट कलेक्ट करने के बदले में वाली ग्लोबल मिलती है। तो एक इवेंट है जो कि दूसरे सर्वर पर आना स्टार्ट हो चुके हैं एंड हमारे इंडियन सर्वर पर भी बहुत जल्द आने वाला है। बिकॉज ये 1100 पॉइंट कैसे करना है और ये इवेंट कब आएगा, मतलब कि प्री एक्सेस करना स्टार्ट कर दें, जैसे एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा पता चल जाएगा गरीना ऑफिशियल की तरफ से कि हमारे इंडियन सर्वर पर कब आने वाला है, मैं आप लोगों को बता दूंगा इवेंट कंप्लीट करके भी बताने वाला हूं। तो आप लोगों को यार बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं अभी हमारे इंडियन सर्वर पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, अगला एपिसोड। तो यार अब मैं आपको बता दूं 5th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में। तो 5th एनिवर्सरी का पीक डे 28 अगस्त को होने वाला है। तो 28 अगस्त के पहले जुलाई मंथ से ही 5th एनिवर्सरी इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको एक फ्री में बंडल, फ्री में इमोट मिलने वाला है। तो वो भी अंडर एडिटेड है, मतलब कि अभी डिजाइन हो रहा है, जैसे डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा बिकॉज नेक्स्ट अपडेट में 5th एनिवर्सरी इवेंट ही देखने मिलेगी। लेकिन एक इवेंट कंफर्म हो चुका है, आप लोगों को याद होगा 4th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान ग्रीन क्रिमिनल बंडल रिटर्न देखने मिला था। तो इस बार चारों क्रिमिनल बंडल रिटर्न आने वाले हैं यार,
अपना लॉस तो रिकवर करेगा ही, और ये इवेंट कुछ इस टाइप का होगा जहां पर 20 डायमंड का एक बॉक्स परचेस करना पड़ेगा जिसमें से एक क्रिमिनल बंडल निकलने वाला है। बहुत कम चांसेस रहेंगे क्रिमिनल बंडल निकलने के, मतलब कि एक क्रिमिनल बंडल निकालने के लिए आप लोगों को 1,000, 2,000, 3,000 डायमंड तक खर्च करने पड़ सकते हैं। बिकॉज फ्री फायर अभी इंडिया में बैन हुआ था तो उसको रिकवर करने के लिए वो तो पैसे कमाएगा ही, और 5th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान वो क्रिमिनल बंडल रिटर्न देने वाले हैं, तो ये कंफर्म हो चुका है। तो यार इस अपडेट के लिए एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इन 5 क्रिमिनल बंडल में से कौन सा क्रिमिनल बंडल अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में कलर का नाम कमेंट जरूर करिएगा। यार आप में से कितने ऐसे प्लेयर है जिनके पास सॉल सीकर बंडल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर नहीं होगा तो मैजिक के ऊपर जाओगी तो आप लोगों को सॉल सीकर बंडल देखने मिल जाएगा। मैं इस सॉल सीकर बंडल की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सॉल सीकर बंडल का मेल बंडल और फीमेल बंडल दोनों का रिसाइकल बंडल होकर के आने वाला है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे रेड कलर में ये दोनों बंडल आने वाला है। सेम टू सेम बंडल डिजाइन किया गारेना फ्री फायर वालों ने, जिसने भी डिजाइन किया लगता है बहुत ही आलसी होगा, मतलब कि यार पुराने बंडल में कलर चेंज करके नया बंडल कौन लाता है। और रिसाइकल बंडल से याद आया तो ब्लैक टी शर्ट का व्हाइट टी शर्ट बना दिया है रिसाइकल करके, ब्लू एंजेलिक पेंट का रेड एंजेलिक पेंट और ये व्हाइट एंजेलिक पेंट, साथ ही में बहुत सारे ऐसे बंडल है जिनका रिसाइकल करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, गरीना फ्री फायर वाले सुधरेंगे नहीं। तो चलो कोई ना, सह लेंगे गरीना फ्री फायर वालों का ये स्कैम, इतने दिनों से इतने सारे स्कैम सहते आ रहे हैं, अब तो आदत सी हो गई हमको, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, दिल से बुरा लगता है। तो यार आप में से बहुत सारे प्लेयर कमेंट करके पूछ रहे थे और उनके माइंड में डाउट था कि अभी तक रैंपेज इवेंट का कैलेंडर क्यों नहीं आया, फिर रैंपेज इवेंट स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, रैंपेज इवेंट कैलेंडर न आने का रीजन ये है कि अभी हमारे गेम में चल रहा है बॉम्ब स्कॉट का इवेंट, तो जैसे ही बॉम्ब स्कॉट का इवेंट खत्म हो जाएगा तब हमारे गेम के अंदर स्पेशल रूप से रैंपेज इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, रैंपेज इवेंट का पिक डे 25 तारीख को ही होने वाला है और आप लोगों को बहुत सारे रिवार्ड जो मिलने वाले हैं वो आप लोगों को मिलकर ही रहेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। तो यार फाइनली मैं आपको बता दूं म्यूजिक वीडियो रिडीम कुट के बारे में, जिसे देख करके आप लोगों को भी भरोसा नहीं होगा कि इंडियन सर्वर पर 3 मिलियन व्यूज पर बैकपैक सरबोर्ड मिलेगा या फिर 6 मिलियन व्यूज पर इमोटर स्कार्फ मिलेगा। बिकॉज आप लोगों को पता होगा इंडिया में किसी म्यूजिक वीडियो पर 6 मिलियन व्यूज करना बहुत ही आसान है भाई, 1-2 घंटे के अंदर ही कर देंगे। लेकिन आपको पता होगा 10 जून को न्यू मेप आने वाला है एल पास्टेलो, जिसमें आप लोगों को बॉम्ब स्क्वाड रैंक मोड देखने मिलेगा, न्यू मेप है, न्यू इंटरफेस है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो इसे प्रमोट करने के लिए गरीना फ्री फायर वाला बहुत सारे सर्वर पर डायमंड एंड वेपन वाला वाउचर दे रहा है। एंड आप लोगों को क्या लगता है हमारे इंडियन सर्वर पर हम लोगों को इमोटर स्कार्फ देगा? ये सरासर एडिटेड है, आप लोगों को पता होगा अगर हम लोगों को व्यूज का माइलस्टोन दिया जाएगा तो 50 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन व्यूज ऐसे टारगेट दिए जाएंगे, न कि 6 मिलियन व्यूज का। तो 10 जून को न्यू मेप आने वाला है एल पास्टेलो, तो उसका एक ट्रेलर भी आएगा, तो ट्रेलर आप लोगों को अगर हमारे इंडिया के ऑफिशियल चैनल पर देखने मिलेगा, अगर उसमें रिडीम कोड मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल में बता दूं, ये जो पोस्टर अभी आप लोग देख रहे हो ये एडिटेड है। हां, आप लोगों को रैंपेज इवेंट के दौरान रिडीम कोड मिलने वाले हैं, ये बात ट्रूथ है, बिकॉज पिछली बार मिले थे आधे घंटे के लिए सिर्फ वैलिड रहते हैं। लेकिन बॉम्ब स्क्वाड मोड में इतने सारे फ्री के रिवार्ड, भाई इतना बड़ा तो म्यूजिक वीडियो होने वाला है नहीं है। ये हो सकता है कि आप लोगों को डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल वाउचर या फिर बैट की स्किन से छोटे मोटे रिवार्ड मिले, लेकिन आप लोगों को ये इमोट वगैरह नहीं मिलने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बिकॉज ये वाला जो इमोट आप लोग देख रहे हो ना, इस इमोट का नाम है ड्रॉप किक, और ये तो पाकिस्तान के सर्वर पर टॉप अप करने पर आया है। तो सोच सकते हो यार, सारे सर्वर पर फ्री में थोड़ी ना देगा, ये ऊपर से ग्लोबल व्यूज का माइलस्टोन है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बिकॉज मैं आपको रिडीम कोड की कोई झूठी इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। अगर सच में रिडीम कोड आने वाला रहेगा तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिकॉज आप लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करके रख लीजिए, बिकॉज रैंपेज इवेंट में रिडीम कोड आएगा तब मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो यार अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।